हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस एम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तीन स्टॉक्स से रिलेटेड, यस दोस्तों, तीन स्टॉक्स से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले। एंड मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि सिर्फ नाम देख के ही वीडियो कंप्लीट नहीं होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं स्टॉक्स से रिलेटेड यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये मेरे जो एक्शन है उससे रिलेटेड मैं बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आप डिनाई कर सकते हो, आप एग्री भी कर सकते हो, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। मैं गलत भी जा सकता हूँ, मैं सही भी जा सकता हूँ, बट मुद्दा यह है कि आपने खुद की एनालिसिस करनी चाहिए, खुद का डिसीजन यहाँ पे ड्राफ्ट करना चाहिए अगर ये तीन स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, SMKC इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, एंड इसको ध्यान से सुन लेना, गलत इसका अर्थ मत निकाल लेना, तो इसीलिए आप लोगों के सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर हम लोग निफ्टी को यहाँ पे देख लेते तो निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते ही जा रहा है। ये मैंने आपके सामने जो चीज़ें ओपन की है उसी के साथ साथ ये एक महीने का चार्ट पैटर्न भी मैंने ओपन कर लिया है। अगर आप रफली रिटर्न्स की बात करें, यहाँ पे 4% की जंप निफ्टी यहाँ पे लगभग दिखा चुका है। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे निफ्टी दिखा रहा है। बट अगर हम लोग बात करें फिलहाल की जो सिचुएशन बाजार में चल रही है, कोरोना वायरस की भी सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसको अगर हम लोग कंबाइनली जोड़ के देखें तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों को थोड़ा से प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है। सो दोस्तों, ये स्टॉक हमारे भी पोर्टफोलियो में बहुत बार मैंने भी कहा है, क्योंकि ये कंपनी है तो बहुत ही शानदार। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं इन कंपनीज़ में अपनी पोजीशन को सेफ करने जा रहा हूँ। यस दोस्तों, सेफ करना मतलब मैं कंप्लीटली इनको अपने पोर्टफोलियो में से नहीं निकाल रहा हूँ। सेफ करना मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपया लगाया होगा और वो कंपनी बहुत ही ऑब्वियसली मैं बहुत ही पुराना शेयर होल्डर हूँ तो मेरा प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। तो 100 रुपया अगर मेरा अभी आज बन गया, हो गया फॉर एन एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपया, ठीक है, मतलब मेरा मुनाफा कितना है, 900 रुपये का मुनाफा है। आज भी मैं उस कंपनी में कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के और पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, लॉस से मैंने जो सीखा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं अपना यहाँ पे पोजीशन को सेव कर लूँ। सेव करना मतलब मैंने 100 रुपया लगाया था, आज वो 1000 हो चुका है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो 1000 रुपया मतलब मेरा 900 रुपये का प्रॉफिट है, मोटा मोटी आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 100% अगर नॉर्मली मुझे सेफ होना है तो ऑब्वियसली मैं 100 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, और जितना भी अमाउंट बचता है, मतलब कितना बचेगा ऊपर का जो 800 रुपया मुझे देखने को मिल रहा है, वो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 800 पकड़ लीजिए, 900 पकड़ लीजिए, वो हम लोग क्या करेंगे, बाज़ार में छोड़ देंगे। मतलब 1000 रुपये तक वो शेयर गया, फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपया मैंने लगाया था तो 900 रुपये का प्रॉफिट है, राइट। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, 900 में से मैं 100 रुपया निकालूंगा, या फिर आप कह लो 200 निकाल लो, 300 निकाल लो, तो आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पे टेंशन फ्री हो जाओगे, और बाकी बचा हुआ जितना भी 700 रुपया रहेगा, 600 रुपया, उसको मैं बाज़ार में छोड़ दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी पोजीशन बिल्कुल सेफ हो जाएगी। मतलब दोनों वे में कुछ भी हो जाए, अगर मार्केट कल फॉर एन एग्जांपल वो स्टॉक कल गिर भी गया तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा एटलीस्ट मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया एंड छोटा मोटा प्रॉफिट भी मैंने बुक कर लिया, नुकसान नहीं होगा। एंड अगर हम लोग गलत भी गए कि बाजार कल वो स्टॉक भाग भी गया तो फिर भी हम लोगों को कोई एज सच नुकसान नहीं होगा, ओरिजिनली एक्चुअल नुकसान नहीं होगा, नोशनल नुकसान हो सकता है कि काश हम लोग रुकते तो हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। तो वो कौन से शेयर्स हैं एंड उसके पीछे क्या लॉजिक क्या है, वो अभी आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड वापस कर रहा हूँ ये टेम्पररी बेसिस के लिए, क्योंकि ये तीनों कंपनियाँ यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे भी सकती है। सो दोस्तों, सबसे पहली कंपनी जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट, यस दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी जो कि मैंने बहुत बार कहा है कि इसको बेचना बहुत ही गलत साबित हो सकता है, बट फिलहाल की सिचुएशन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो कंपनी ने रिसेंटली रिजल्ट भी दिखाए थे, 85-88% इनके जो प्रॉफिट था उनमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है। उसी के साथ साथ फिलहाल की सिचुएशन अगर हम लोग देखते हैं वो भी इस कंपनी के साथ नहीं चलेगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी का जो बिज़नेस है, रिटेलिंग का बिज़नेस है, उसमें जो इसेंशियल चीज़ें हैं वही ज़्यादा बिकवाई जा रही है, जो नॉन इसेंशियल है अभी तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। सो टेम्पररी बेसिस के लिए हम लोग ज़रूर कह सकते कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने आप को सेफ कर लोगे तो एक ज़्यादा अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। एंड उसी के साथ साथ इनका जो बड़ा कॉम्पिटिटर है रिलायंस रिटेल, वो भी कुछ ज़्यादा ही हावी होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जरूर कह सकते हैं डीमार्ट ये कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्टॉक मार्केट यही होता है कि सिचुएशन को देख के आप लोगों को खेलना आना चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि डीमार्ट में अपनी पोजीशन सेफ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं 100% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो कल अगर मैं सही गया, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल
मैं इसका रिलेटेड बाद में बता दूंगा, तीनों पहले शेयर को कवर कर लेता हूं, तो फिर आप लोगों को वो एग्जांपल समझ में आएगा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट में मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अपनी पोजीशन को सेव कर रहा हूं, यहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं। आप चाहो तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें 2000 के नीचे बहुत ज़बरदस्त बाइंग की थी, 1900 पे की थी, 1850 पे की थी, 1800 पे की थी, 1700 पे की थी, सो एवरेज प्राइस भी हम लोगों का 1900 के आसपास ही आ रहा था। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 2000 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, 2100 का भी स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के सामने कुछ बातें यहाँ पे रख दी है। तो ये इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद होने वाली है, ख़त्म होने वाली, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे मैं वापस अपनी पोजीशन को बढ़ा सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे क्वार्टर टू का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे ओपनली रख रहा हूँ। जिस कंपनी से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, आज भी उम्मीदें हैं, बट अपनी सिचुएशन को सेफ करके मैं इसके ऊपर अगर खेलूंगा तो ज़्यादा सेफ यहाँ पे मैं और भी रह पाऊंगा। सो एवेन्यू सुपरमार्ट में मैं भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना, क्योंकि अगर आप मार्केट भी देखते हो अच्छा खासा रैली में चल रहा है, बट एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे एक महीने का, पाँच दिन का, तो हम लोग को कंसिस्टेंटली गिरावट देखने को मिल रही है। एंड वो रीज़न भी बिल्कुल सेम है कि कंपनी ने जो रिजल्ट था अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। सो यही कहना चाहूँगा कि बाजार अगर बहुत ज़बरदस्त गिर जाता है तो इस कंपनी में गिरावट होना तो 110% तय है। हाँ, अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस रहता है जो हमारे हाथ में नहीं है, जिस चीज़ों को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि कंपनी ने बोल दिया कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग फ्लिपकार्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अमेजोन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो बात अलग है। बट अगर नॉर्मल सिचुएशन को अगर हम लोग देखते हैं तो शायद से अगर बाजार में गिरावट आती है तो डीमार्ट में भी गिरावट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा गहरे हो सकते हैं, क्योंकि ये रैली के वक्त पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ये सबसे पहला ये मेरा स्टॉक था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। मैं बिल्कुल आप लोगों को वापस कर रहा हूँ, मैं 100% प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ। जितना मेरा एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि 100 अगर मैंने लगाया है और आज मेरा 1000 हो गया है, तो मैं 100 निकाल रहा हूँ, उसी के साथ साथ और थोड़ा सा 100 मतलब 200 मेरा प्रॉफिट भी मैं छोटा सा एक उठा रहा हूँ, और बाकी बचा हुआ पैसा अभी भी बहुत ही ज़बरदस्त लाखों में पैसा मैं डीमार्ट में अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट एटलीस्ट मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे सेफ कर ली है। ये था पहला स्टॉक जो कि लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया। आप चाहो तो कम्प्लीटली इसको अवॉइड भी कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक है आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, एंड ध्यान से सुन लेना, इसमें इमीजिएटली तो एग्जिट करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सेम यहाँ पे भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं डीमार्ट में आप लोगों को एग्जांपल बताया वही बात। बट इस कंपनी के जो रिजल्ट है वो 12 अगस्त को हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, एंड इसके पीछे की वजह क्या है, ये एक तो है स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड, आप सभी लोगों को बताया। एंड 12 अगस्त को ये कंपनी क्या करने वाली है, अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं। एंड इससे पहले जो कंपनी ने जितने भी नंबर्स पेश किए थे इतने सॉलिड नहीं थे, ठीक ठाक ही नंबर्स थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कंपनी के नंबर्स आने तक तो डेफिनेटली इंतज़ार करेंगे। अगर ज़बरदस्त नंबर आ जाते तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आते तो यहाँ पे हम लोग ज़रूर एटलीस्ट अपने पोजीशन को सेव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके पीछे की वजह भी है दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। कंपनी ख़राब नहीं है, सिचुएशन को समझ लो, ये केमिकल सेक्टर की कंपनी स्पेशलिटी, एंड यहाँ पे प्रमोटर लगातार अपनी हिस्सेदारी को धीमे धीमे करके कम कर रहे हैं। 48.71, 48.29, 47.75, 47.45, कोई बड़ा यहाँ पे डैमेज देखने को नहीं मिल रहा है, बट छोटा छोटा हिस्सा वो कम कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे उसका चार्ट पैटर्न भी देखें आरती इंडस्ट्री का, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 महीने में कंपनी ने एज सच सिर्फ 4-5% का रिटर्न दिया है। एंड केमिकल सेक्टर की कंपनियाँ कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही, इनके कॉम्पिटिटर के ऊपर आप लोग देख सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि अगर कंपनी के 12 तारीख को रिजल्ट यहाँ पे अच्छे नहीं आते एंड अगर प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी वापस यहाँ पे छोटा सा कम कर देती है, सो डेफिनेटली यहाँ पे मैं वापस पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, मतलब अपने पोजीशन को बिल्कुल सेफ रखूँगा। उसके बाद जो कुछ भी हो जाता है उससे हम लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये रीज़न इसीलिए था जो कि मैंने बता दिया कि इनके कॉम्पिटिटर इतने शानदार रिटर्न दे रहे, जहाँ पे प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी भी कम रेगुलरली नहीं कर रहे, तो रिटर्न भी सेम मिल रहा है, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है प्रमोटर से रिलेटेड, तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे प्रमोटर लगातार हिस्सेदारी कम कर रहे, प्रॉफिट भी कंपनी का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है लास्ट टाइम जैसा, एंड यहाँ पे अगर रिटर्न भी ज़्यादा नहीं मिल रहे, तो अगर मार्केट में कभी गिरावट आ जाती है तो इन कंपनीज में गिरावट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए आरती इंडस्ट्री में यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। 100% मैं अपने पोर्टफोलियो में से इन स्टॉक्स को नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी शानदार है, बिजनेस मॉडल आप सभी लोगों को पता है। और दोस्तों जो तीसरी कंपनी है वो आपके सामने ओपन कर दी, जिसका नाम है ट्रेंट। यस, टाटा ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी, बहुत शानदार कंपनी है, ज़बरदस्त रिटर्न देती है। बट ये भी कंपनी किससे रिलेटेड, रिटेल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। एंड आप सभी लोग पता है रिटेलिंग का अगर हम लोग बात करें,
तो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन सी सबसे बड़ी कंपनी आपके सामने मैं ओपन करना चाहूँगा रिटेल सेक्टर से रिलेटेड, तो आप लोग देख सकते हो सबसे पहले है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट जो कि लगभग 1 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, उसके बाद फ्यूचर रिटेल है, आदित्य बिरला फैशन है, उसके बाद ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रही है। सो एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी बड़ी कंपनी के रिजल्ट इतने हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले, तो डेफिनेटली एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे सोच भी सकते कि ट्रेंड के रिजल्ट में भी हम लोग को शायद से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसा डायरेक्टली कंपेयर करना गलत बात है, बट आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रेंड का भी नाम आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। तो आप लोगों ने ज़रूर इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना है कि ये परफॉर्मेंस कैसे करेगा, क्योंकि आप सभी लोग पता है लैबोरेटरी से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट आए थे, तो बाकी लैब में हम लोगों ने जो कंपनीज है लैबोरेटरीज वाली कंपनी स्टॉक्स है उनमें हम लोगों ने निवेश करके अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया, तो वैसे ही वहाँ पे अलर्ट होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे उनके कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे बड़े वाले कॉम्पिटिटर, तो ये छोटे कंपनीज़ के में भी जो रिजल्ट के चांसेस है वो थोड़े से यहाँ पे नीचे आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इस कंपनी के रिजल्ट 13 अगस्त को आने वाले, सो ट्रेंड के ऊपर आप लोगों ने तभी यहाँ पे नज़र रख लेनी चाहिए। एंड इसलिए मैंने कहा कि अलर्ट हो जाओ, अगर आप अपनी पोजीशन को सेव कर लेते हो तो फिर आप एक अच्छा स्मार्ट मूव खेल सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे फिलहाल के बाजार की कंडीशन के अनुसार एक अच्छा स्टेप रहेगा ऐसा मुझे यहाँ पे फिलहाल तो लग रहा है। सो दोस्तों ये जो लॉजिक मैंने आपके सामने रखा है डेफिनेटली उसका दो ही आउटकम रहेगा, आइदर मैंने जो प्रेडिक्ट किया है वो शायद से सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है, बट सबसे मेन जो मुद्दे की बात है जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सारी चीज़ों का जो आउटकम रहेगा उससे रिलेटेड हम लोगों ने सोचना चाहिए, मतलब ये राइट एंड रॉन्ग से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे आउटपुट देख ले, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं सही जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, फॉर एन एग्जांपल ये तीनों स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आ जाती है, कंपनीज़ को कुछ होगा नहीं, लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त चलने वाली है, बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के मैं ये बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर ज़ोरदार गिरावट हो जाती है जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था इसलिए तो मैं यहाँ पे सेफ पोजीशन बनाने की बातें कर रहा हूँ, तो अगर ये सही हो जाता है तो डेफिनेटली हम लोग सेफ रहेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल भी निकाल लिया, अच्छा खासा थोड़ा सा और हायर लेवल का प्रॉफिट का भी अमाउंट निकाल लिया और एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही हम लोगों ने सिर्फ मार्केट में छोड़ दिया था, सो डेफिनेटली उतना ही हम लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि वो हम लोगों का चला गया, ऐसा हम लोग एक्सट्रीम सिचुएशन में पकड़ रहे। फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग गलत जाते हैं, नहीं ये शेयर यहाँ से और तेज़ी से भागना शुरू कर लिए, कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, तो इसमें भी हम लोगों का एज सच कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने हमारी पोजीशन सेफ की थी। हाँ नोशनल लॉस होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे रुक जाते तो और हम लोगों का प्रॉफिट बढ़ जाता, बट जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट में सेफ खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एंड इस लॉजिक के अनुसार मैं आप लोगों को यहाँ पे ये तीन स्टॉक में थोड़ा सा अलर्ट होने के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ। मैं वापस कह रहा हूँ मैं यहाँ पे इन तीनों स्टॉक में अभी भी बने रहने वाला हूँ, सिर्फ यहाँ पे पोजीशन सेफ करने की बातें मैंने आप लोगों को की है एंड वो भी लॉजिक मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश कर दिया है। मैं चाहे तो गलत हो भी सकता हूँ और इससे पहले भी बहुत बार मैं गलत जा भी चुका हूँ। सो फ्रेंड डेफिनेटली आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों का क्या इस पर क्या विचार है, कि आप लोगों का लॉजिक क्या कहता है। ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना पैरामीटर होता है, इससे सेम लॉजिक को अप्लाई करके मैं बहुत बार सही भी गया हूँ एंड बहुत बार मैं गलत भी जा चुका हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि सेफ खेलना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड स्पेसिफिकली जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है तब आप लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, तो हर वक्त प्रॉफिट बुकिंग तो करनी नहीं होती वरना आपका पैसा जो बोलते हैं ना कंपाउंडिंग का आप लोगों का फ़ायदा कैसे मिलेगा, बट अब ऐसी सिचुएशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है तो उसी टाइम पे ऐसा डिसीजन लेना भी मुझे ऐसा लगता है कि एक स्मार्ट मूव हो सकता है, जहाँ पे अगर आप सेफ खेलोगे तो आप लोग एक टेंशन फ्री यहाँ पे रह सकते हो। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले वापस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को कि हम लोग 100% एग्जिट नहीं हो रहे, अगर आपको लग रहा है कि मैं कंप्लीट निकल रहा हूँ ऐसा नहीं है, आज भी हम लोग इसी कंपनी में रहने वाले, बट अगर आप अपनी पोजीशन को सेव करोगे तो यहाँ पे और बेटर ऑप्शन हो सकता है ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एंड अगर कंपनी कल फ्यूचर में अच्छा करेगी तो किसने रोका है आप लोगों को, वापस हम लोग जाके एंटर कर लेंगे। अगर हम लोग बात करें डीमार्ट की, जो मेरा फेवरेट शेयर है, अगर क्वार्टर टू में वो अच्छा रिटर्न्स दिखाते हैं सरप्राइज कर देता है कोई बात नहीं, 100-200 में मैं एक्स्ट्रा खरीद लूँगा तो अच्छी खासी और हम लोग यहाँ पे बाइंग वापस कर लेंगे। तो ये जो स्मार्ट मूव है वो खेलना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसीलिए ये वीडियो बना के मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप सेफ हो जाओगे तो ये बहुत ही एक अच्छा खासा डिसीजन हो सकता है। सो फाइनल डिसीजन हमेशा की तरह मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, मैं इससे पहले बहुत बार गलत जा चुका हूँ, मैं भी इंसान हूँ, हर एक का अपना अपना लॉजिक होता है, तो आप लोग भी अपने ऊपर ये डिसीजन छोड़ दो कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं बोल रहा हूँ वो कम्प्लीटली गलत है, आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो और देखा जाए तो इन तीन कंपनीज में इतना एज सच कोई प्रॉब्लम बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर हम लोग सेफ हो जाते हैं जो कि सिचुएशन देखने को मिल रहा है, निफ्टी भाग रहा है बट ये कंपनीज सेमी सी देखने को मिल रही है, इनके कॉम्पिटिटर तेज़ हो रहे हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को सेफ कर लिया तो भी कोई गलत बात नहीं है। फ्यूचर में 3 से 4 महीने के बाद अगर ये और अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू हो गई तो आप वापस री एंटर कर लो, इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन अ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।